दोस्तों आज की उर्दू डिक्शनरी में बात होगी लफ्ज सुरूद, सुरूर और सरोश पर। शुरुआत करते हैं लफ्ज सुरूद से, जिसका मतलब होता है नगमा, राग, बगैर पर्दों का सितार, मिजराब से बचाया जाने वाला बाजा, बरबत, आहंग और तराना। वीणा की तरह का एक प्रकार का वाद्य यंत्र, संगीत रचना, राग, गीत के शब्द, स्वर माधुर्य, गायन एवं नृत्य। अंग्रेजी में अ काइंड ऑफ गिटार, सॉन्ग, लिरिक, एंथम, हिम, सोनेट और मेलोडी जैसे अल्फाज इसके लिए इस्तेमाल होते हैं। अजीज हामिद मदनी का एक शेर है, जैसे दुआए नीम शबी का सुरूद हो, एक शोर मैं कदे में इस अंदाज से उठा। उसके बाद लफ्ज सुरूर। सुरूर का मतलब होता है खुशी, खुमार, नशा, दिलो दिमाग की शगुफ्तगी या सुकून बख्श कैफियत, फरहत, कैफ, सरशारी, नशे का चढ़ना, हल्का सा नशा जो पुरकैफ हो। हिंदी में मन मस्तिष्क की शांति प्रदान करने वाली अवस्था, आनंद, प्रसन्नता और तन्मयता। अंग्रेजी में प्लेजर, डिलाइट, जॉय, चीरफुलनेस, एक्सिलरेशन कॉज्ड बाय वाइन, स्लाइट इंटॉक्सिकेशन जैसे अल्फाज इसके लिए इस्तेमाल होते हैं। अल्लामा इकबाल का एक शेर है, इल्म में भी सुरूर है लेकिन ये वो जन्नत है जिसमें हूर नहीं। उसके बाद लफ्ज सरोश। सरोश कहते हैं फरिश्ते को, और वही लाने वाला फरिश्ता जो कि जिब्रील अलैहिस्सलाम है। गैबी आवाज़, शफो इल्हाम, आसमानी आवाज़, मुजदा, खुशखबरी। 70वीं तारीख को सरोश कहते हैं, और सरोश उस फरिश्ते का नाम है जो शब का रकीब है। हिंदी में आकाशवाणी, सुखद संदेश, देवताओं से द्वेष करने वाला, ईश्वरीय संदेश लाने वाले दूत जिब्रील। अंग्रेजी में एन एंजल, द एंजल गैब्रियल, अ वॉइस फ्रॉम हेवन, गुड न्यूज़, द 70th डे ऑफ एवरी सोलर मंथ इज सरोश। अल्लामा इकबाल का शेर है, साहिब सास को लाजिम है कि गाफिल न रहे, गाहे गाहे गलत आहंग भी होता है सरोश। तो दोस्तों अल्लामा इकबाल के इसी शेर के साथ आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।